अस्सलाम वालेकुम। हम आपका खैर मुकदम करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए, और मंजूर साहब का भी हम शुक्र गुजार हैं कि उनको बहुत शौक है। मतलब आज सभी स्कूल या बच्चे एक्सकर्शन जाते हैं, पिकनिक जाते हैं बाकी पार्कों में, लेकिन इनका अलग सोच है कि हम उस जगह पर जाएंगे या उन जगहों पर जाएंगे जहाँ कुछ हम हासिल भी करेंगे, जहाँ हमें जो मतलब हमारी दरसी किताबें हैं उनसे रिलेटेड जो भी मतलब हम देखेंगे। जैसा कि आप म्यूजियम में आए तो यहाँ जो भी आप देखेंगे ये हमारे कल्चर से वाबस्ता टूर आपका रहेगा। तो हमारे चेयरमैन साहब मुजम्मिल साहब ने आपको मीरास महल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो अभी आप म्यूजियम में जा रहे हैं वहाँ जो भी चीज़ें डिस्प्ले पे हमने रखे हैं तो उनको आप टच नहीं करना, क्योंकि उनमें मेडिसिन वगैरह लगा हुआ है और उनको नुकसान भी पहुँच सकता है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके के हैं। जो नीचे वाली मतलब स्टोरी है उसमें शीशे के बॉक्स में हमने चीज़ें रखे हैं लेकिन ऊपर खुले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि टच नहीं करना। और मंजूर साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि 20-20 बच्चों को का एक एक ग्रुप बनाएं, क्योंकि अंदर जगह की कमी है तो कम कम बच्चों को हम ले जाएंगे एक एक ग्रुप करके। और म्यूजियम के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में इसका करूँगा। म्यूजियम का यही मकसद है जो मतलब मरहूम अतीका जी थी उनका ये ख्वाब था, उनकी कोशिश थी कि जो हमारा कल्चर है, जो कल्चर मतलब एक कौम दो चीज़ों पे मुनसर होती है, एक उसकी ज़ुबान और उसकी तहजीब। ज़ुबान जो हमारी ज़ुबान है कश्मीरी है या कोई और ज़ुबान है उस कौम की ज़ुबान होती है, और दूसरी उसका कल्चर तहजीब रहन सहन। तो हमारा रहन सहन वैसे आज हमारे घरों से ख़त्म हो गया, लेकिन उसको प्रजर्व रखने के लिए मरहूमा अतीका जी ने यहाँ एक मीरास घर मीरास म्यूजियम मीरास महल म्यूजियम कायम किया। यही मकसद उनका था कि जो हमारा कल्चर है हमारी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं हम प्रजर्व रखेंगे मौजूद रखेंगे ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे नई जनरेशन होंगे या 100 साल के बाद 200 साल के बाद 400 साल के बाद बच्चे आएंगे लोग आएंगे उनको ये पता चलना चाहिए कि ये हमारी वर्षा है हमारी तहजीब है कि हम कैसे रहते थे। मैं कश्मीरी मैं बोलूँगा बोन थोड़ा कि जिकत कौशिर पठन मतलब वनस कह तम चीज घरन मज मैटिंग खतर इस्तेमाल गसन तु वो तम तंदर कित पे आसान मतलब पन्नो अथो सत गो बनावन तम पतज बनावन चंग बनावन तम बान घरन मज ग इस्तेमाल ब्रोट सम सन जुट तम बनावन अथो सतन कतरो बान लकरो या तम मजीद वो तु अंदर अस तकरीबन जस पठ त्रे सा वरी कह चीज आर्कोलॉजी मजन यहाँ मं टल पान टल तम तो फिर तम मजीद कॉइनज पान रोप क्या आम तम शर गोल लकड़ पोस तम वो तुम अंदर मतलब अस मुख्तलिफ कैटागरी बुक किताब मेनस्क्रिप्टस मगर तम वो अस डिस्प्ले पे थम कहें तम तिज गैलरी वन तैयार गत लगे कह टाइम मतलब अस तकरीबन मेनस्क्रिप्टस पांच पठ शहत आम तम बिग बुकस किताब अत सम लेचम जोर हथ वरी ब्रो तम पुम कापी कुन जाए मौजूद तथा वन मेनस्क्रिप्टस सच नश बा बाकी प्रिंटेड बुकस तम से ओर हथ त्रे हथ जत वरी पान मगर सो तकरीबन डिस्प्ले पे वनस कहें तथा लगे रेत खंड तो बाकी वो तुम अंदर सोरे तो बे गुजारिश टच करजो न कुन चीजस अगर तुम लेखन आ तुम हूँ कलम तो पेन ये कलम तो कागज सवित तो अच्छा शिल्प तो लगे तथा पे ना तो लिखित अस तो हेल्प अत मन कुछ क्या क्या तो लगन तुम हूँ सह लिखित बेच बा गुजारिश अ बच्चन सारे युद्ध तुम घर गु ग पे तो नजर अस म्यूजियम मे यह चीज वोचमुत गर अगर तुम तुथ कह चीज नजर गुस गर जरूरत आहन त्रेत आोरमुत हूर कान पे दुम दरित तुम हूँ पत् गिक वनत यह सह मौजूद थवन यह सन मीरास तुम करो मंजूर सब सत सकूल मलरेडी इन हूँ तुम तम चीज हवाल कर सह वा मीरास महल मराबर क
کہ سروز تہذ تو کنٹریبیوشن میراز نالس شکریہ.